हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सारिका वर्ल्ड। आज हम बनाने वाले हैं जैगरी बाइट्स। ये गुड़ को हमने छोटा सा एक ट्विस्ट दिया है। जिनको गुड़ खाना पसंद नहीं है उनको इस तरह से गुड़ जरूर अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जैगरी बाइट्स। जैगरी बाइट्स बनाने के लिए हमें लेना है आधा किलो गुड़, हाफ कप हम लेंगे भुने हुए चने, और हाफ कप ही मैंने लिए हैं नारियल के छोटे छोटे टुकड़े, और हाफ कप लेंगे मूंगफली। तो ये सर्दियों का सीजन है तो ये मूंगफली भुनी हुई मैंने ली है, और हाफ टेबल स्पून लेंगे जिंजर पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो जैगरी बाइट्स को सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ इस तरह की ट्रे, और इसको हम ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो आपके पास कोई थाली है या प्लेट है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा घी लगा लेते हैं और इसको तैयार करके रख लेते हैं। तो अब मैंने लिया है एक पैन, और इसमें हम डालेंगे गुड़, और गुड़ को हमें लो फ्लेम पर मेल्ट करना है। तो बस यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम लो रखनी है और इसको धीरे धीरे मेल्ट होने देना है। तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो देखिए इस तरह से। इसको हमें तेज आंच पर नहीं पकाना है क्योंकि हम सिर्फ गुड़ को मेल्ट कर रहे हैं जिससे कि हम इसमें बाकी चीजें ऐड कर सके। हमें इसकी चिक्की नहीं बनानी है क्योंकि चिक्की बनाने के लिए गुड़ को काफी देर तक पकाना पड़ता है, पर हमें इसकी चिक्की नहीं बना रहे हैं तो हम इसको पकाएंगे नहीं। हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है जिससे कि हम बाकी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकें। तो देखिए काफी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन सर्दियों में ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन है तो उसके लिए काफी अच्छा रहता है ये, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर दें। और इसमें हम डालेंगे नारियल के टुकड़े। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, अगर आप इसको ग्रेट करके डालना चाहते हैं तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। और इसमें डाल देंगे भुने हुए चने और मूंगफली, और इन सभी को हमें जल्दी से मिक्स करना है। और गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए आप, क्योंकि हमें इसको ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि गुड़ हमारा मेल्ट हो गया था और इसमें ये सब चीजें बहुत ही आसानी से मिक्स हो गई हैं। तो चलिए इसको फटाफट से डाल देते हैं ट्रे में। तो इसको हमें जल्दी से डालना है क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी से सेट होने लग जाता है। तो बस ये ट्रे में हमने इसको पूरा डाल दिया है। इसको ऊपर से भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा बराबर हो जाए। तो अब इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके पीसेस काट लेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैं इसके पीसेस कट कर लूंगी। तो हमें इसमें अभी से ही थोड़े से निशान इस तरह से बनाने हैं क्योंकि अगर ये अच्छे से सेट हो गया तो हमारे पीसेस जो हैं वो इतने क्लियर नहीं निकल के आएंगे। तो अभी ये गर्म है लेकिन इसके पीसेस हम काट देते हैं, और इसके बाद हम इसको पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और पीसेस हम बाद में निकालेंगे। तो अब ये ठंडा हो गया है, हल्का सा गर्म तो है लेकिन फिर भी ठंडा हो गया है। तो चलिए इसके पीसेस निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से आप साइड में से हटाइए इसको, और इस तरह से आपको करना है, और नाइफ की हेल्प से आप इसके पीसेस निकाल लीजिए। ये देखिए काफी अच्छे से निकल के आ जाएंगे, और ये देखिए ये बन गए हमारे जैगरी बाइट्स। इनको सर्दियों में आप दूध के साथ खा सकते हैं, वैसे भी हमें गुड़ ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, काफी अच्छा होता है और सर्दियों में बहुत फायदा भी करता है। तो आप भी इसको इस तरह से बनाइए, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो ये गुड़ को छोटा सा एक ट्विस्ट देने के बाद देखिए कितने अच्छे जैगरी बाइट्स तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसको जरूर बनाएं और इन सर्दियों में एंजॉय करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।